नमस्कार, मैं मोनिका राणा, यह है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलकुस न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। बारालाचा में फंसे पर्यटक किए रेस्क्यू, भूस्खलन से चंडीगढ़ मनाली एनएच बाधित। हिमाचल प्रदेश में दो दिन भारी बारिश की चेतावनी, लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। बॉयज स्कूल हमीरपुर में आयोजित किया जाएगा जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। टोक्यो ओलंपिक में देवभूमि के बॉक्सर आशीष ने दिखाया दमखम पर, चीन के तोहते से हारे। मीराबाई चानू को मिल सकता है स्वर्ण पदक, चीनी खिलाड़ी का होगा डोप टेस्ट। येदियुरप्पा का इस्तीफा, कर्नाटक के नए सीएम पर हलचल तेज, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में चार नाम आगे। हिमाचल के जिला हमीरपुर में मनाया गया वाइसवा कारगिल विजय दिवस, नरेंद्र ठाकुर ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। बारालाचा में फंसे पर्यटक किए रेस्क्यू, भूस्खलन से चंडीगढ़ मनाली एनएच बाधित। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बारालाचा पास और सरचू के बीच कुछ हिस्से में सड़क की हालत बेहद खराब है। खराब सड़क पर वाहनों के कलपुर्जे टूट रहे हैं। रविवार रात को भी यहां कुछ पर्यटक वाहन फंस गए। सूचना मिलते ही लाहौल स्पीति पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और देर रात को ही पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। खराब सड़क पर्यटकों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। रविवार रात को पुलिस रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंची। सड़क से नाले का पानी बह रहा था। बड़ी मुश्किल से यहां पर फंसे हुए करीब दो दर्जन से अधिक वाहनों को निकाला गया। पुलिस ने अब बीआरओ से सड़क के इस हिस्से को ठीक करने के लिए कहा है, जिसे यहां पर दिक्कतों का सामना न करना पड़े। एसपी मानव वर्मा ने कहा कि पर्यटकों से मौसम के मिजाज को देखते हुए सफर करने को कहा गया है, फंसे पर्यटकों को निकाला गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश भर में सोमवार से चार दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से राज्य में अब भी दर्जनों सड़कें बंद हैं। मंडी से 12 किलोमीटर दूर 7 मील के पास भूस्खलन से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। हिमाचल प्रदेश में दो दिन भारी बारिश की चेतावनी, लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। हिमाचल प्रदेश में दो दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 27 और 28 जुलाई को पूरे प्रदेश में भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी जताई है। इस दौरान तूफान चलने और बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के किनारे और भूस्खलन वाले क्षेत्रों की ओर न जाने की हिदायत जारी की है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मशीनरी भी तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य में अब भी दर्जनों सड़कें बंद है। सीजन के दौरान बागवानों को सेब मंडियों तक पहुंचाने में परेशानी हो रही है। बॉयज स्कूल हमीरपुर में आयोजित किया जाएगा जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। 75वां स्वतंत्रता दिवस हमीरपुर में भी उत्साह उल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिला स्तरीय समारोह स्थानीय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बॉयज के मैदान में आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस समारोह की तैयारियां आरंभ कर दी हैं। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने सोमवार को हमीर भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके जिला स्तरीय समारोह की रूपरेखा तय की। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी इसी विषय पर आधारित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देवश्वेता बनिक ने बताया कि 15 अगस्त को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बॉयज हमीरपुर के मैदान में मुख्य अतिथि सुबह 11 बजे ध्वजारोहण करेंगे और भव्य परेड की सलामी लेंगे तथा जिलावासियों को अपना संदेश देंगे। जिला स्तरीय समारोह की परेड में हिमाचल प्रदेश पुलिस और होमगार्ड की टुकड़ियों के अलावा एनसीसी और अन्य टुकड़ियां भी भाग लेंगी। इस अवसर पर देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जिला स्तरीय समारोह की तैयारियां समय पर पूरी करने तथा समारोह के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि समारोह के दौरान कोरोना से संबंधित सभी नियमों एवं सावधानियों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आयोजन स्थल पर थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की प्राप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। देवश्वेता बनिक ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य पर जिला के स्वतंत्रता सेनानियों और वीर नारियों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। उपायुक्त ने भाषा कला एवं सांस्कृतिक विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस से पहले विद्यार्थियों के लिए
प्रश्नोत्तरी, चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और अन्य स्पर्धाएं ऑनलाइन आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए आयोजन स्थल पर विशेष प्रबंध करने होंगे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और नगर परिषद के अधिकारियों को मैदान में पानी की निकासी का उचित प्रबंध करने के आदेश जारी किए। बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर ESP विजय सकलानी, SDM डॉक्टर चिरंजी लाल चौहान और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। टोक्यो ओलंपिक में देवभूमि के बॉक्सर आशीष चौधरी ने दिखाया दमखम पर चीन के तुहोयते से हारे। देवभूमि हिमाचल के बॉक्सर आशीष कुमार चौधरी का टोक्यो ओलंपिक में सोमवार को पहला मुकाबला हुआ। आशीष ने अपना पहला मैच चीन के बॉक्सर एरवी के तुहोयते के साथ खेला। भारतीय समय अनुसार उनका मैच दोपहर 3:06 पर शुरू हुआ। आशीष ने पूरा दमखम दिखाया लेकिन उन्हें पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। आशीष पहले राउंड में पिछड़ने के बाद दूसरे राउंड में तुहेते पर हावी रहे। तीसरे राउंड में तुहेते ने आशीष चौधरी को पराजित कर मुकाबला 2-0 से जीत लिया। दूसरा मुकाबला इंटरमीडिएट रहा है। चीन के बॉक्सर एरवी के तुहेते की 2-0 से जीत हुई है। आशीष चौधरी की मां दुर्गा देवी का कहना है कि भले ही आशीष की ओलंपिक में हार हुई है लेकिन देश के लिए प्रतिनिधित्व करना ही बड़ी बात है। वह इससे निराश नहीं है बल्कि उनकी आशा है कि आने वाले समय में आशीष और बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन करेगा। परिवार के लोगों ने घर से टीवी पर उनका मैच लाइव देखा। प्रदेश भर से लोगों ने इस मैच को देखा। गौरतलब है कि आशीष कुमार चौधरी हिमाचल के पहले बॉक्सर हैं जो ओलंपिक में खेले। बॉक्सर आशीष चौधरी ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लिया। मीराबाई चानू को मिल सकता है स्वर्ण पदक। चीनी खिलाड़ी का होगा डोप टेस्ट। टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले चीन की वेट लिफ्टर जिजुई हो से गोल्ड वापस लिया जा सकता है। दरअसल जिजुई का डोपिंग रोधी अधिकारियों द्वारा टेस्ट किया जाएगा और यदि वह इसमें विफल रहती हैं तो भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के रजत पदक को गोल्ड में बदल दिया जाएगा। होई को टोक्यो में रहने के लिए कहा गया है और इस दौरान उनका डोपिंग टेस्ट किया जाएगा। येदुरप्पा का इस्तीफा। कर्नाटक के नए सीएम पर हलचल तेज। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में 4 नाम आ गए। कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल जारी है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा ने आज यानी सोमवार को विधानसभा में इस्तीफा देने का ऐलान किया। उसके बाद राजभवन पहुंचकर राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप दिया। येदुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ऐसे समय पर दिया है जब आज कर्नाटक की भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में हर किसी की नजर इस बात पर है कि अब भाजपा राज्य की कमान किसे सौंपेगी। वहीं नई दिल्ली में कर्नाटक के नए सीएम को लेकर बैठक हो रही है जिसमें पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की रेस में प्रहलाद जोशी, BL संतोष, लक्ष्मण सवदी और मुरुगेश निरानी का नाम शामिल है। सूत्रों ने बताया कि भाजपा जल्द ही कर्नाटक में पर्यवेक्षण भेजेगी। नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने तक BS येदुरप्पा कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे। हिमाचल के जिला हमीरपुर में मनाया गया 22वां कारगिल विजय दिवस। नरेंद्र ठाकुर ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आज प्रातः 10:30 हमीरपुर स्थित कैप्टन मृदुल शर्मा मेमोरियल शहीदी पार्क में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शहीदों को याद करते हुए अमर जवान कैप्टन मृदुल शर्मा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि आज का दिन भारतीयों के लिए काफी अहम है। यह दिन भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। यह कारगिल युद्ध में सूरवीरों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने का दिन है। आज से 22 साल पहले सेना ने कारगिल में पाकिस्तान को करारे शिकस्त दी थी। उन्होंने कहा कि आज से 22 वर्ष पूर्व पड़ोसी मुल्क धोखेबाज पाकिस्तान के सैनिकों और आतंकवादियों को भारत के महान सैनिकों ने अपने देश की सीमाओं कारगिल द्रास के क्षेत्र से भगा कर मातृभूमि को उनके चंगुल से मुक्त करवाया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलकर सूचना। धन्यवाद। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वाचिंग हिलक्रिस्ट न्यूज। आई एम गरिमा। मेरा नाम है आशीष। मैं पूजा दीवान। ये है हिमाचल 365 टीवी।
और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।